आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ट्राइपॉड 3110। आप देख सकते हैं ये बॉक्स आज ही मुझे डिलीवर हुआ है फ्लिपकार्ट से, जिसका वेट 420 ग्राम है। ओके, और मैं फ्लिपकार्ट से मुझे ये मिली है 522 रुपीस में। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि कैसा है और क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। ये रहा बॉक्स ट्राइपॉड का, आप देख सकते हैं, जिसका मॉडल नंबर है ट्राइपॉड 3110। जिसमें फीचर्स क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। थ्री वे हेड है, बिल्ट इन लेवल है, 4 सेक्शन अल्मोनियम लेग्स है और क्विक लेवर लॉक है। देखिए यहाँ भी वही सेम कंटेंट लिखा हुआ है जो कि आप रिफ़र करके देख सकते हैं ना। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि अंदर में कैसे निकलता है ना। तो इसे कट कर लेते हैं ना। ये लेग्स हैं, ये हेड है और ये लीवर लॉक है और नीचे में रबर के ग्रिप्स है ना। तो चलिए इसे कट करते हैं और देखते हैं कि अंदर में क्या निकलता है। हाँ, तो ये कट हो गया और अंदर में ये रहा मोबाइल स्टैंड, जहाँ आप मोबाइल को रख के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें एक स्प्रिंग है जहाँ होल्ड हो सकता है मोबाइल फ़ोन आपका ना। इसे आप पुल करके मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर लें इसके अंदर। इसके अंदर आप नट कस के स्टैंड के जैसा खड़ा कर सकते हैं। चलिए अंदर और क्या मिलता है देखते हैं। तो ये रहा ट्राइपॉड, आप देख सकते हैं थ्री लेग्स हैं ना, और नीचे में रबर ग्रिप्स लगाई हुई है और ये हैंडल है ना। इसे आप कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं इजीली ना। और ये इंडिकेटर है जिसे आप अच्छे से इंडिकेटर को एक प्लेन सरफेस पर रख के आप वीडियो को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्ट्रेट वीडियो। और ये नट है जहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल स्टैंड को। ये देखिए हर डायरेक्शन में आप रोटेट करके एंगल पे सेट कर सकते हैं। ये रबर ग्रिल्स है काफ़ी अच्छा है, यूज करने में बहुत आसान है ना, काफ़ी स्मूथ फीचर्स है इसके अंदर। ये मोबाइल स्टैंड हम कनेक्ट कर देते हैं, इसे अच्छे से रोटेट कर लें ना, और नीचे भी कस लें इसको अच्छे से। अच्छे से टाइट होने के बाद आप देख सकते हैं ये ऐसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। इसे आप पुल करके इसके अंदर मोबाइल आप सेट कर सकते हैं इजीली। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, 420 ग्राम्स का है। चलिए इसे नीचे रख के देखते हैं कि साइज कितना एक्सटेंड कर सकते हैं हम और कैसा दिखता है। ये देखिए आप इसके स्टैंड को पुल कर सकते हैं और बड़े इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं आपको। और जब ये एक्सटेंड हो जाए तो आप इसे लॉक कर दें ताकि ये फॉल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको एक्सटेंड को आराम से एक साइज पे एक्सटेंड करने के बाद उसे अच्छे से लॉक कर देना है। ये देखिए ऐसे ही इसे लॉक करना है। ये हो गया लॉक, सब स्टैंड में आपको ऐसे ही लॉक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और साइज भी काफ़ी बड़ा है। आप इसको पुल करके और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से ना।
अच्छे से इसे कस लें। ये रहा, ये लूज हो गया, और इसे आप पुल करके अच्छे से टाइट कर लें। तो ये हो गया पूरे पूरे साइज की स्टैंड ना, जिसमें मोबाइल भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको मोबाइल कैसे सेट करने हैं। कैमरा को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप मोबाइल के जो स्टैंड दिए हुए उसके स्प्रिंग को पुल करके अच्छे से लगा लीजिए अपने फ़ोन को उसके अंदर ना। लग गया ये फ़ोन और कैमरा ओपन हो गया ना, आप देख सकते हैं फ्रंट, ये बैक, काफ़ी इजीली आप एंगल को सेट कर सकते हैं, स्ट्रेट इसे कर लें और आप देख सकते हैं सेट करने के बाद ये ऐसा दिखता है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।